पोस्ट पैंडेमिक में अक्षय कुमार की मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ अक्षय कुमार के साथ जो कि प्री पैंडेमिक में बैक टू बैक सुपर हिट दे रहे थे, अब बैक टू बैक उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर पिट रही है, क्या है इसका रीजन, इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। पोस्ट पैंडेमिक में अक्षय कुमार की 12 मूवीज आ चुकी है, मींस कि 2020 से लेकर 2023 तक अक्षय ने 12 मूवीज में काम किया है। उसमें से कुछ OTT रिलीज थी और कुछ थिएट्रिकल रिलीज, बट उनमें से सिर्फ 2 मूवीज को ही हिट वर्डिक्ट मिला है और बाकी सब फ्लॉप या एवरेज रही है बॉक्स ऑफिस पर। बट ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फर्स्ट रीजन मेरे हिसाब से है बैक टू बैक मूवीज करते जाना। I mean, यू आर अ सुपर स्टार, आप अपने स्टारडम को ग्रांटेड नहीं ले सकते। 12 मूवीज वो भी सिर्फ 4 साल में, ये बहुत ज्यादा होता है। अक्षय कुमार अभी 40 डेज में मूवीज खत्म कर देते हैं, वेयर एज प्री पेंडेमिक में वो हर प्रोजेक्ट को टाइम देते थे। अभी एक सेट से दूसरे सेट में जाना, मूवीज के लिए कोई एफर्ट्स नहीं देना, इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है फ्लॉप होने का एट द बॉक्स ऑफिस। कैरेक्टर्स लाइक सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इसमें अपने आप को इमेजिन करने में, कैरेक्टर्स में घुसने के लिए वक्त लगता है, बट अक्षय कुमार की शायद पॉलिसी बन गई है 40 डेज में मूवीज खत्म करने की। सेकेंड रीजन ये भी है, पोस्ट कोविड में पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बिग ग्रैंड मूवीज जो की एक्शन से भरपूर हो और एक अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस दे। बट अक्षय कुमार स्टिल डूइंग मूवीज जो की प्री कोविड में वर्क कर रहा था। इवन एक बड़ा रीजन ये भी है रीमेक मूवीज, हिंदी ऑडियंस अब साउथ सिनेमा को देखना शुरू कर चुके हैं, सो दैट्स व्हाई अब रीमेक कोई देखना नहीं चाहता, सबका हिंदी डब अवेलेबल होता है, सो अक्षय शुड स्टॉप डूइंग रीमेक। उनकी 12 मूवीज जो पोस्ट कोविड में आई है उनमें 4-5 तो सिर्फ रीमेक है और सब ऑडियंस द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है, सो यू कैन सी दैट हिंदी ऑडियंस डोंट वॉन्ट रीमेक मूवीज नाउ। थर्ड रीजन वुड बी दैट की बहुत सारी मूवीज एक साथ में साइन कर लेना। जो भी मूवीज पोस्ट कोविड में आई है अक्षय कुमार की, वो मोस्टली साइन हो चुकी थी बिफोर कोविड, उसके वजह से अक्षय कुमार की मूवीज पिट रही है बॉक्स ऑफिस में ड्यू टू ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो चुका है। अब वो मीडियोकर मूवीज के लिए थिएटर आने नहीं चाहते, आपका कंटेंट सच में अच्छा होना चाहिए जो कि ऑडियंस को थिएटर तक लाने में कामयाब हो। स्टिल अक्षय कुमार को अब तक ये बातें रियलाइज नहीं हो रही है, बिकॉज 2024 में अक्षय की एज ऑफ नाउ 6 मूवीज रिलीज होने वाली है जिसमें से एक साउथ की मूवीज का रीमेक भी शामिल है। इनफैक्ट लास्ट वीक में अक्षय कुमार ने 2 और मूवीज भी साइन की है जिसमें एक प्रियदर्शन के साथ कॉमेडी मूवी है जिसका नाम खेल खेल में होने वाला है और दूसरा एक साइको थ्रिलर है, होप की रीमेक ना हो बस। सो यू कैन सी अक्षय कुमार इज नॉट स्टॉपिंग फ्रॉम डूइंग स्मॉल मूवीज, जबकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि छोटी बजट मूवीज करना, प्रॉब्लम ये है कि खराब डायरेक्टर के साथ काम करना, कंटेंट के नाम पे आउटडेटेड मूवीज करना, प्लस बिना कोई एफर्ट दिए 40 डेज में शूट खत्म कर देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इट विल बी वेरी टफ फॉर अक्षय कुमार टू डू अ प्रॉपर कमबैक। आई वुड से दैट अक्षय कुमार शुड डू बिग एक्शन मूवीज एंड सम कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज विद कॉमेडीज लाइक ही यूज्ड टू डू इन mid-20s, बट ऑफ कोर्स ओरिजिनल मूवीज। मेरे एक्सपेक्ट टेक्शन है बड़े मियां छोटे मियां से, बिकॉज वो एक एक्शन मूवीज होने वाली है विद 2 हीरोज इन लीड, प्लस उसके डायरेक्टर है अली अब्बास जफर जो कि बड़े हिट दे चुके हैं और एक अच्छे डायरेक्टर भी है। लेट्स होप अगर अक्षय अच्छे मूवीज करते हैं और अपने मूवी रिलीज के बीच में गैप रखते हैं और तब हो सकता है अक्षय विल बी बैक इन द गेम, नहीं तो वो एज ऑफ नाउ ही स्टिल डूइंग बैक टू बैक मूवीज। अगर ऐसे ही चलते रहे तो वोंट बी सरप्राइज कि वापस 2 करोड़ की ओपनिंग लगेगी मूवीज को। होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द अक्षय सर दैट जैसे प्री कोविड में बढ़िया कंटेंट के साथ अच्छे परफॉर्मेंस वाले मूवीज दिए थे, हमें वैसे ही आने वाले टाइम में भी दे। सो इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब अवर चैनल ZRT रिव्यूज और लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।